नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आर पी एस सी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर साथियों आज अपन बात करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं रेट 2021 के लास्ट तीन चार महीने की तैयारी जो है वो आपको कैसे करनी चाहिए जिसकी जिससे कि आपको बेनिफिट मिले उसका फ़ायदा आप लोगों को तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे कि नोट्स आपको कैसे लेने हैं क्या क्या योजना अभी आपको रखनी है क्या क्या बातें जो हैं वो उनको आपको फॉलो करना है मैंने किन बातों को फॉलो किया था किस प्रकार से तैयारी की थी लास्ट तीन चार महीने में और सलेबस पूरा होने ए, के बाद जो आपको क्या करना है टाइम टेबल जो है वो आपको क्या रखना है लास्ट इन तीन चार महीनों में अगर आपने इस वीडियो में बताए अनुसार तैयारी की तो डेफिनेटली आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी है बस आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको जो मेहनत करनी चाहिए सबसे जो जरूरी बात है सबसे ज़रूरी जो बात है पहली बात अगर मैं बोलना चाहूँ सबसे जो जरूरी है वो ये है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल जरूर रखें सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्थिति में ठीक है तो संयमित रहें सबसे ज़रूरी है संयमित रहना संयमित रहने में आपका मतलब क्या है देखिए संयमित रहने से जो मेरा अर्थ है या मतलब है वो है बाहर आपको ज़्यादा नहीं घूमना है दूसरा मोबाइल को कम से कम यूज़ में लेना है मोबाइल जो है वो केवल और केवल आप पढ़ने की दृष्टि से काम में लें उसके बाद मोबाइल को अलग रख दें और पढ़ाई करते समय मोबाइल को बीच में बार बार चेक ना करें ठीक है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपको इन चीज़ों के ऊपर ये नहीं है कि घर में देखिए सब लोगों के घर में समस्याएं है होती हैं ठीक है तो आपके घर में भी कोई ना कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी या हो रही होगी या हो चुकी होगी फिर उसमें आप लोग भाग लेते हो ठीक है इससे आपकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो जाती है आप उस समस्या को हल भी नहीं कर पाते हो और अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब कर लेते हो जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि तीन चार महीने आप भूल जाइए कि आपको किसी प्रकार की इस दुनिया से कोई मतलब भी है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी से केवल चार पाँच महीने तीन चार महीने जो भी हैं आपको केवल और केवल पढ़ाई को ही देना चाहिए ये बाकी बिल्कुल सब सोचना बंद कर दीजिए आपके लिए कोई है ही नहीं दुनिया में आप ये समझिए आप सिर्फ अकेले हो और आपको तैयारी करनी है ज़बरदस्त तरीके से केवल और केवल जॉब लगना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है इस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से लोग जो वो यही मान करके तैयारी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं रिविजन में चल रहे हैं तो जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि जो आज से भी स्टार्ट करें ना तो उसको भी कैसे जो सफलता वो भी कैसे हासिल कर सकता है वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ तो सबसे ज़रूरी बात है खुद के ऊपर कंट्रोल रखें पूरा का पूरा क्या करना है आपको क्या नहीं करना है मोबाइल यूज़ नहीं लेना है जितने समय आपको पढ़ना है यूट्यूब पर वीडियो देखना केवल उतने ही टाइम और वही वीडियो देखना है उसके बाद ये नहीं है आपने एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस के नीचे वीडियो आ जाते हैं कि ये बन ये यूट्यूब चैनल वाले प्रैक्टिस के ढेर सारे वीडियोस डाल रहे हैं तो जब आप टॉपिक ही आपका क्लियर नहीं है तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे तो आपको वो वीडियोस नहीं देखने हैं ठीक है इसके ऊपर भी आगे अपन बात करेंगे प्रैक्टिस कहाँ से करें सबसे बेस्ट बुक क्या है कहाँ से अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सारी बातें अपन कब करें सब बातों पर डिस्कस करेंगे आगे दूसरी जो बात है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति साथियों इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ होनी आवश्यक है आपको ये निश्चित करना ही होगा कि आपको जॉब लगना है या नहीं केवल बस आपकी तैयारी करने की इच्छा है तो आप तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है तैयारी को आप छोड़ दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस आपको निश्चित कर लेना कि हाँ मुझे जॉब लगना ही है इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े दृढ़ इच्छा शक्ति से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए जुखाम हो गई बुखार हो गई बहुत तेज बहुत तेज आपको बुखार है फिर भी आप गणित के सवाल कर रहे हो फिर भी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपको खुद में पॉजिटिविटी आ रही है कि यार मैं इतना परेशान हूँ फिर भी मैं अगर ये कर रहा हूँ तो जरूर मेरा सिलेक्शन होगा और उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आप लगातार मेहनत इसी प्रकार से करेंगे और ज़्यादा मेहनत जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपका कॉन्फिडेंस जो वो बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट हो जाएगा एक अलग ही स्तर पे जो आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा तो मेहनत तो ज़रूर करनी आपको छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए आपको पढ़ना ज़रूरी है चाहे कुछ भी हो जाए जैसे कुछ गृहणियाँ हैं वो खाना बना रही हैं तो खाना बना रहे हो तो आप उस समय अपनी दीवार के सामने चिपका लो किसी भी डॉक्यूमेंट को या कुछ ऐसी जगह बना लो जहाँ पे आप कागज़ को रख सको उसको देखते देखते पढ़ते पढ़ते बना लो या ईयरफोन डाल के हमारे वीडियो सुन सकते हो या जिसके भी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं वो सुन सकते हो आप झाड़ू लगाते हुए भी ऐसा कर सकते हो तो आप पढ़ सकते हो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है अगर आप में दृढ़ इच्छा सकती है जॉब लगने की तो कि मेरे को जॉब लगना ही है तो वो आपको बनानी पड़ेगी पहली बात सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है दूसरी बात दृढ़ इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है और तीसरी बात साथियों अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है हमसे जो लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए हमारे चैनल से सारे के सारे जो है आपको अवेलेबल करवा रखे हैं नोट्स जो है वो मैंने यूट्यूब पे सारा का सारा मैटर जो है वो पढ़ा रखा है अब सारा मैटर पढ़ा दिया है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नोट्स बना चुके हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नोट्स अभी तक जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया बनाना या फिर बनाना नहीं चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं कैसे बनाऊं क्या करूं कौन सी बुक्स बेस्ट हैं तो मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूं आपको बनाने कैसे नोट्स वो देखिए आप लोग अगर आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा नोट्स जो है नोट्स मेकिंग कैसे हो नोट कैसे लिए जाए नोट्स कैसे बनाएँ सबसे ज़रूरी बात है आपकी तैयारी में और इस चीज़ के ऊपर आपको काम ज़रूर करना चाहिए साथियों नोट्स जो वो ये नहीं है कि हर कुछ बना लिया आपको सबसे पहली बात आपको एक गाइड ज़रूर रखनी चाहिए एक तो आपको गाइड रखनी चाहिए आप गाइड कोई भी ले सकते हो काफ़ी सारी गाइड्स अवेलेबल हैं एक बढ़िया सी गाइड ले आइए एक गाइड रखिए दूसरी बात दूसरी चीज़ क्या रखनी आपको या तो बोर्ड की बुक्स हो ठीक है बोर्ड की बुक्स हों इन दोनों चीजों से भी आप बना सकते हो खुद के नोट्स अगर ये दोनों इन दोनों से बनाओ तो बेस्ट है अगर मान लीजिए आप बोर्ड की बुक्स पढ़ने का आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि आप आर पी एस सी एग्जाम्स विथ आकाश कटे हो यानी हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज आप देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ाया गया है उससे नोट्स बनाइए आप आपको डेफिनेटली फायदा होगा ये भी नहीं बनाना चाहते हो तो किसी भी कोचिंग के नोट्स कोचिंग के आपके पास नोट्स किसी भी कोचिंग के नोट्स आपके पास तो उन नोट्स को और एक गाइड आपके पास होनी चाहिए उनसे मिला करके आप अपने नोट्स बना सकते हो या कोई भी और नोट्स हो उसमें से और प्लस गाइड में से आप नोट्स बना सकते हो तो ये तो आप नोट्स इस प्रकार से ज़रूर बनाएं क्योंकि गाइड का होना ज़रूरी है कि इसलिए है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी गाइड में तो सारा मेटर आ जाता है दूसरी बात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाइड में मतलब आपको ए, मेटर से भी ज़्यादा जो है हाँ, अवेलेबल हो जाता है और एक पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है गाइड यानी कि अपने को अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है जो टॉपिक अपने को नहीं करवा रखा वो अपन गाइड से कर सकते हैं या थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो वो कर सकते हैं तो उस काफ़ी सारे फ़ायदे हैं गाइड की यानी गाइड कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है तो ज़रूर एक गाइड रखें अच्छी सी और दूसरी जो है बोर्ड की बुक्स हो गई या फिर अदर कोई बुक है जो जैसे मैंने बुक्स का वीडियोस बनाया था जैसे साइकोलॉजी के लिए मैंने बताई थी बुक्स जो आपकी अवनी शिक्षा मनोविज्ञान तो ये भी अच्छी पुस्तक है और भी बहुत सारी अच्छी पुस्तकें आती हैं तो वो भी हो सकती हैं या पुस्तक नहीं है आपके पास किसी बहुत शानदार टीचर के नोट्स हैं तो वो भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार से जो है आपको अलग अलग नोट्स तैयार कर लेने हैं ठीक है अब साथियों ये तो वो बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्ट करेंगे तो उनको तो ऐसे नोट्स तैयार करने हैं दूसरी बात आपको क्या करनी है जो ध्यान में रखनी है कि ये नोट्स मान लीजिए आपने बना लिए अब इन नोट्स को बनाने के बाद आपको साथियों क्या लेने हैं शॉर्ट नोट लेने बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या देखिए शॉर्ट नोट का क्या मतलब है शॉर्ट नोट का साथियों मतलब है जब आप नोट्स बना चुके होंगे उसके बाद आपको क्या करना है आप नोट्स को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इस पेज में ये ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ठीक है सारा जो नोट्स आपने बनाए उसमें लगभग मोटी मोटी चीज़ें आपने सब लिख ली अब दोबारा जब उसका रिवीजन आप कर रहे हो नोट्स का तब आपको महसूस होगा कि यार ये चीज़ें यहाँ से प्रश्न आराम से बन सकता है ये इम्पोर्टेंट है तो उसको आप शॉर्ट नोट में लिख लीजिए यानी कि एक जो पेज है ना एक पेज को आप पाँच से दस लाइन में आप लिख सकते हो या फिर पाँच से दस लाइन उसमें अंडरलाइन आप कर सकते हो एक पेज की तो ये जो शॉर्ट नोट है ये किस काम में आएंगे भाई देखिए नोट्स का रिविज़न जो है नोट्स को आप तीस दिन में जो है लगभग या पंद्रह बीस दिन में जो पूरे नोट्स को आप पढ़ पाओगे सॉरी तीस दिन तो ज़्यादा हो गए तीस दिन तो नहीं लगते पंद्रह बीस दिन में जो है आप आराम से नोट्स को पढ़ पाओगे लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप पंद्रह बीस घंटे में भी पूरा पढ़ सकते हैं तो ये पंद्रह बीस घंटे में रिवीजन करवा देंगे आपका ठीक है अब ये जो शॉर्ट नोट हैं ये कब काम आएंगे? जब एग्ज़ाम में चार पाँच दिन होंगे तब इनको आप पढ़ना हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट आपके पास होने चाहिए उनको आप पढ़ना डेफिनेटली जो है आपका टाइम भी नहीं लगेगा आपको और पंद्रह घंटे नहीं लगाओगे आप पाँच से छः घंटे में आप पूरा रिवीजन कर दोगे पूरे बुक का एक साथ तो ये होना बहुत ज़रूरी है देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ मैंने पहला रिवीजन किया जो है वो बीस दिन में पूरा रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का बीस दिन में रिविजन सॉरी तीस दिन में पूरे सब्जेक्ट का रिविज़न किया था उसके बाद में दूसरा जो रिविज़न चला पहला तीस दिन में रिविज़न हो पाया था मेरा दूसरा जो रिविज़न है वो मैंने पंद्रह दिन में कर दिया आराम से कर दिया था पंद्रह दिन में तीसरा जो रिवीजन है उसके लिए मैंने सात दिन लगाए और चौथा और लास्ट रिवीजन था वो मेरा रहा साथियों दिन का सारे सब्जेक्ट्स जो वो दो दिन में मैंने कंप्लीट पढ़ दिए थे तो चार पांच रिवीजन इस प्रकार से मैंने लगा दिए थे तो सारी चीज़ें याद हो गई कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है वैसे ही आपको करना अब ये रिवीजन हो कैसे पाए वो इन नोट्स और शॉर्ट नोट्स की वजह से ही हो पाया अब शॉर्ट नोट कोई आपको तैयार नहीं करवाएगा ये आपको खुद को तैयार करने पड़ेंगे आप जैसे ही नोट्स को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि हाँ ये चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकता है इंपॉर्टेंट है आप खुद अंडरलाइन करिए या अलग से उनको लिख लीजिए साथियों बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट इससे हो जाएगा आगे बात करेंगे इसमें टाइम टेबल की भी क्या होना चाहिए देखते रहिए बस आप एक जो चौथी बात है इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है कि जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको टेस्ट के पीछे नहीं भागना है टेस्ट जो है वो देने के लिए बच्चे जो है वो काफ़ी ललायत रहते हैं जबकि मेरे हिसाब से मैंने यही सीखा है कि साथियों जब तक मेरा रिविजन नहीं हो गया था ये वाला रिविज़न तब तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था हाँ टेस्ट कौन से दिए जैसे कोई यूट्यूब पे मान लीजिए टेस्ट ले रहा है ठीक है और मेरा वो उस बुक का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने आधे घंटे पंद्रह मिनट का जो वीडियो था वो देखा प्रश्न किए मेरे प्रश्न सही हो रहे हैं तो फिर ठीक है ठीक है इस प्रकार से मैंने टेस्ट वो दिए जैसे ही मेरा पूरा रिवीजन हो गया पूरा सिलेबस हो गया बढ़िया तरीके से उसके बाद मैंने जो टेस्ट देना स्टार्ट किया ठीक है ये नहीं है कि आप जैसे लग गए टेस्ट देने के लिए आपको जैसे पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं उससे पहले आप टेस्ट देना शुरू कर दें तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे दूसरी बात ये उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि मेरे तो यार कुछ आ ही नहीं रहा तो ऐसा नहीं करना टेस्ट जो है वो कब देना आपको आपका जब सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए ना उसके बाद ही आपको जो है वो टेस्ट जो है वो देना है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही जो है आपको जो है आपको टेस्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है उससे पहले आपको टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है पहले अपना सिलेबस पूरा करिए आप बिल्कुल तरीके से जैसे हमने जो पढ़ाया है उस मैटर को आप पढ़ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों कहीं कोई आपके पास ऐसा धोखा नहीं होगा बहुत ही शानदार मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर हंड्रेड परसेंट आपके हाथ में सफलता होगी जॉब होगी ठीक है आप ये निश्चित तौर पर आज ही जो है नोट कर सकते हैं इस बात को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि मैंने ये सिस्टम बताया था और इस सिस्टम से मैंने पढ़ाई की और मेरा सिलेक्शन हो गया डेफिनेटली फ़ायदा होगा साथियों सिलेक्शन श्योर होगा अगर आपने ये मेहनत कर ली तो अब टाइम टेबल क्या रखना है तीन चार महीने आपको इस बात के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़े से टाइम टेबल बता देता हूँ मैं आपको जो मेरे हिसाब से सूटेबल लगा मुझे जिसमें काफ़ी सारा समय आपके पास देखिए टाइम टेबल आप ये रख सकते हैं कि अपना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अपन क्या रखेंगे कि टाइम जो है वो कम से कम अपने पास दस ग्यारह घंटे का टाइम टेबल जो है वो आपको अभी निकालना पड़ेगा ये उन बच्चों के लिए जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या जो रिवीजन भी कर रहे हैं वो भी इसको अपना सकते हैं बहुत अच्छी बात रहेगी अगर अपनाएंगे तो बहुत शानदार नंबर उनके आएंगे जॉब जॉब जो, जो है वो अपने को सिक्योर करनी है अगर कोई ये सोचता है कि मैं दस ग्यारह घंटे पढ़ करके आर एस बन जाऊँगा तो बहुत ही गलत बात है गलत फहमी आपकी ऐसा नहीं है और जिस दिन आप आर एस की तैयारी करोगे उस दिन आपको इस बात का पता भी चल जाएगा तो साथियों कोई भी जॉब हो उसके लिए मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी और रीट का सलेबस इतना है कि दस ग्यारह घंटे अगर आप दिन में नहीं पढ़ोगे तो तीन चार महीने में ये सलेबस जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा ये डेफ़िनेट बात है चाहे कुछ भी हो जाए नहीं होगा कंप्लीट तो तीन चार महीने में अपने को रिवीजन भी करना है सलेबस भी कंप्लीट करना है तो उसके अनुसार अपने को यह टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए अब मैं यहाँ से पाँच बजे से ले रहा हूँ पाँच बजे से लेकर के आप सात बजे तक जो है वो आप ए, साढ़े सात बजे तक सॉरी सात तक नहीं साढ़े सात तक आप मनोविज्ञान पढ़िए साइकोलॉजी जो हो है वो आप पढ़िए ठीक है साथियों तो ये इतना तो आप मेरे हिसाब से आराम से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और जो साथी जैसे मान लीजिए कोई भी साथी जो है वो ए, चार बजे से पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकता है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा वेरी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं साढ़े चार से कर सकते हैं इसको साढ़े सात तक मनोविज्ञान को और अधिक टाइम देना बाकी मेरे हिसाब से ढाई घंटे का टाइम मनोविज्ञान के लिए बहुत है दिन में इतना टाइम दे दो आप एक टॉपिक को पढ़िए उसके बाद उसके क्वेश्चंस को कीजिए मनोविज्ञान हम लोग हमारे चैनल के ऊपर करवा रहे हैं और रोज़ाना सुबह सात बजे जो है वो वीडियो हमारा आ जाता है तो ज़रूर देखें उसको संडे को नहीं आता है बस इसके बाद आप जो है साढ़े आठ से स्टार्ट कर सकते हैं या साढ़े नौ से स्टार्ट कर सक सॉरी नौ से स्टार्ट कर सकते हैं तो साढ़े आठ से देख लीजिए अपन साढ़े आठ बजे से लेकर के आप जो है बारह बजे तक मेरे हिसाब से कंटिन्यू पढ़ सकते हैं बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं दस पंद्रह मिनट का कोई ब्रेक ले सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको सूट लगे वो ब्रेक आप ले सकते हैं जैसे साढ़े नौ साढ़े आठ की बजाय आप यहाँ पे नौ बजे से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा हो तो साढ़े नौ से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो लगभग आपको तीन घंटे जो है वो आपको लगभग यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से गणित और एसएसटी वालों को एसएसटी पढ़ना चाहिए ठीक है गणित पढ़ना जो है जिन लोगों का गणित कमज़ोर है उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और दोस्तों कल से यानी मंडे से ही अपन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं गणित का सेक्शन और जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मैं करवाऊँगा और वैसे तो गणित मैंने आपको पढ़ा दिया है लेकिन इस बार जो करवा रहे हैं अपन उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं लगभग सभी टाइप्स को मैंने कवर किया है रीट में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ पहले जो पढ़ाया था उसमें से हो सकता है क्योंकि उस समय इतना साधन नहीं था कि मैं आपको जो है बड़े क्वेश्चंस भी जो है ऑनलाइन सॉल्व करवा सकूँ अभी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम आपको आराम से करवा सकते हैं थोड़े संसाधन भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं आपके लिए तो उससे क्या है कि हम आपको आराम से सॉल्यूशन करवा पाएंगे तो लगभग एक घंटे का वीडियो जो है वो कल आपको मिल जाएगा गणित का नौ बजे का मैंने टाइम रखा है नौ बजे आपको गणित का वीडियो मिल जाएगा आप ज़रूर उसको देखें आपको डेफिनेटली जो है मैथमेटिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है और एस एस टी वाले जो है यहाँ पे एस एस टी पढ़ सकते हैं आगे देखिए अब आगे देखिए टाइम क्या रख सकते हैं अपन ढाई बजे से रख सकते हैं अपन ढाई बजे से लेकर के पाँच साढ़े पाँच बजे तक जो है हाँ आप ढाई घंटे अगर आप साइंस पढ़ेंगे ठीक है सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ ढाई घंटे अगर आपने साइंस पढ़ा तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी है ढाई घंटे से ज़्यादा साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यह साइंस आपकी हो जाएगी और एस एस टी वाले यहाँ पे एस एस टी जो है वो साथ में कर सकते हैं ठीक है साथियों तो ये भी आप कर सकते हो दूसरी बात हिंदी वगैरह जो है जैसे ये तो हो गए अपने मनोविज्ञान गणित साइंस एस एस टी ये सारा हो गया अपना लेकिन अब बात आती है आपकी हिंदी की और संस्कृत या इंग्लिश की तो जिन लोगों ने लगभग लोग जो है फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी लेते हैं तो साढ़े पाँच से ले सकते हो आप या पाँच बजे लगातार कंटिन्यू कर सकते हो बिना ब्रेक लिए पाँच बजे से लेकर के सात सवा सात या साढ़े सात तक आपको जो है वो हिंदी आपको करनी है ठीक है हिंदी वाला मेटर आपको कंप्लीट करना है और लगातार तीन चार महीने अगर आप इतनी इतनी हिंदी पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा देखिए साथियों हिंदी में समास और संधि का टॉपिक अगर छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आराम से एक घंटे में उनको पूरा पढ़ करके उनके जो प्रैक्टिस भी की जा सकती है और यहाँ अपने पास डेढ़ घंटा तो आप आराम से जो है वो हिंदी को कंप्लीट कर सकते हो डेढ़ घंटे में कोई दिक्कत नहीं इतने में हो जाएगा आराम से हिंदी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ठीक है फिर है साढ़े आठ बजे से लेकर के साढ़े दस बजे तक जो है आपको संस्कृत या इंग्लिश करनी चाहिए जिन्होंने इंग्लिश ली है दूसरी लैंग्वेज वो इंग्लिश करें एस एन एस के आर आई टी संस्कृत ली है वो संस्कृत करें और ये दो घंटे का समय जो है वो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में से जो भी आपने लिया उसको दें इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि टोटल जो टाइम है वो टोटल अपना जो टाइम आता है निकल के वो साढ़े ग्यारह घंटे का आ जाता है और इसमें अपन ने बहुत सारी जगह ऐसी रखी है जहाँ पे आप टाइम को बढ़ा भी सकते हो ठीक है आगे पीछे कर सकते हो एडजस्ट अपने हिसाब से जैसा आपके घर में खाना बनता है उस प्रकार से अपने टाइम को जरूर एडजस्ट करें और सबसे ज़रूरी बात खाने पीने का समय जो है खाने का समय जो है वो आपको क्या रखना है निश्चित रखना है निश्चित आपको खाने का समय रखना है जब मैं पढ़ता था रीट की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने क्या टाइम रखा देखिए ठीक साढ़े आठ बजे जो है मैं ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता बिल्कुल ब्रेकफास्ट मेरे को इस समय करना ही है साढ़े बारह बजे मेरे को खाना खाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए इस समय मुझे खाना तैयार मिलना चाहिए अगर नहीं मिले तो आप जो है छोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टाइम का इतना पाबंद आपको होना पड़ेगा ठीक है साथियों लेकिन ऐसा हुआ होगा नहीं आपके साथ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है घर वाले बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सबके साढ़े बारह बजे आपको खाना दे देंगे अगर आप ए, इस शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं तो ठीक है और शाम को साढ़े सात बजे तो इस हिसाब से अगर आप ले करके चलोगे अपने टारगेट को और बिल्कुल संयमित रह के पढ़ोगे टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ोगे तो डेफ़िनेटली फ़ायदा आपको होगा साथियों हो। और सभी को आने वाली रीट के लिए दिवाली के लिए शुभकामनाएँ और तैयारी को जोरों शोरों से जारी रखिए और कल मैथमेटिक्स का वीडियो आपके लिए आ रहा है जिन लोगों को ये वीडियो जो है वो अगर मंडे के बाद मिल रहा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्ले में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बाई आकाश कटेवा नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट हुआ मिल जाएगा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा बहुत ही शानदार तरीके से जो है वहाँ पे मैथमेटिक्स करवाई जाएगी आपको ठीक है साथियों तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आपकी तैयारी में नई ऊर्जा डालने का काम इस वीडियो ने किया होगा एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आप लगे रहिए आप अपनी मेहनत में हम आपको लास्ट तक बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन जो है वो डेफ़िनेटली होगा कोई भी आपके सिलेक्शन को जो वो नहीं रोक सकता ठीक है साथियों जब तक अपने मन में हिम्मत है ना तब तक अपने को कोई रोक ही नहीं सकता अगर हम लोग मन से हिम्मत तोड़ देंगे पढ़ाई करनी ही बंद कर देंगे तो फिर अपना सिलेक्शन भी जो वो नहीं हो पाएगा निश्चित तौर पर तो सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको इस हिसाब से पढ़ना ही पड़ेगा कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि इतना समय जो पढ़ के अपना आर बन जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है उन लोगों को छोड़िए उनके कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिएगा अगर कोई ऐसा कमेंट नीचे मिले भी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो साढ़े ग्यारह घंटे से भी ज़्यादा समय निकाल रहे हैं रीट के लिए पढ़ने के लिए तो अगर आप नहीं निकालोगे ना तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा उनका हो जाएगा तो आपका भी होना है और उनका भी होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी टक्कर लेनी पड़ेगी तो समय निकालना पड़ेगा सीधी सी बात है कोई घुमा फिरा के बात मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है साथियों उम्मीद करता हूँ टाइम टेबल भी आपको पसंद आया होगा बातें सारी पसंद आई होंगी किस हिसाब से तैयारी करनी है और भी वीडियोस इसी प्रकार के मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा हमारी बातें पसंद आई हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सारे के सारे वीडियोस आपको मिले हुए हैं मिल जाएंगे बाकी वीडियोस भी और मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार राम राम